वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स टॉक विद मिनी। हाय हाय, कैसे हो आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मम्मी भी ठीक है, फर्स्ट क्लास है। बड़े दिन हो गए, वीडियो नहीं बनाई है मैंने, तो सॉरी। आज मैं बना रही हूँ बड़े दिन बाद। तो ऑफिस शुरू कर चुकी हूँ, 9 बजे शुरू हो जाता है एज यू नो, राइट? तो मैं ऑफिस शुरू कर चुकी हूँ और अब मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी करने लगे थे। मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। इतने दिन से आपको पता है ना, बेटा आया हुआ था तो अब वो फर्स्ट को वापस गया है, उसके बाद हम थोड़ा नॉर्मल हो रहे थे। कल भी बहुत लो थी मैं, फ़ोन नहीं उठाता वो टाइम पे, तो यू नो स्ट्रेस हो जाता है। तो अभी तक जब से गया है वो एक दिन हो गया, कल भी पता नहीं वो सेटल करता रहा, रूम की सफाई करता रहा और बिजी, फ़ोन ही नहीं उठाया लड़के ने। तो अभी तक बात नहीं हुई है उससे, तो बात होएगी तो शायद थोड़ी बेटर हो जाऊँ मैं। बट हाँ, तब तक लो हूँ, कोई बात नहीं। बट मैंने सोचा वीडियो तो करूँ, अपना व्लॉग तो शुरू करूँ, आप लोग मिस करोगे ना मुझे। तो बस यही है, अभी सुबह की चाय हो गई थी, अब मैं ऑफिस शुरू करने के बाद अब ब्रेकफास्ट 10:30 होने लगे। अब ब्रेकफास्ट सोचेंगे, मम्मी सोच रही है अभी क्या खाऊंगी मैं, और उसे वापस बैक टू ट्रैक आने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज पूरा एक महीना जो हमने बाहर का खाया है, ओ माय गॉड, बता नहीं सकती मैं आपको कि उसका इतनी फरमाइश थी, उसको इतना दिल कर रहा था बाहर का खाने का, ये भी खाना है वो भी खाना। फिर से यू नो बैक कि मम्मा भैया चलो यो। ये बच्चों तो ऐसे ही होते हैं, और हम भी उसे मिस करने लग गए दोबारा से। बट हाँ, जितना भी टाइम वो यहाँ था हमने अच्छे से स्पेंड किया उसके साथ, दो मोस्ट ऑफ द टाइम वेंट इन शॉपिंग। बट या मतलब आप पता है ना, दिल को सुकून आ गया, बच्चा मिल गया आके। तो बस अब बैक कॉलेज, अब 7 से उसकी क्लासेस स्टार्ट है दोबारा से। तो अभी वो बस थोड़े दिन ऐश करेगा वहाँ पे, दोबारा से आराम करेगा, फिर पढ़ाई शुरू। सुबह सुबह उठना है, शाम तक क्लासेस हैं, बस यही चलेगा। फिर खुद खाना बनाना है, खुद कपड़े धोने हैं, खुद बर्तन करने हैं। मतलब माँ के दिल को होता है थोड़ा, बट क्या है, अब ये लाइफ है तो जीनी है ऐसी नहीं। तो बस उसकी रूटीन शुरू हो गई, हमारी भी बैक टू रूटीन। तो अब सोच रहे हैं बैक टू ट्रैक आए, क्योंकि हम उसके साथ खाते थे और हमने शायद हमने गेन कर लिया होगा, उसका कुछ नहीं हुआ। तो अब मैं बन देखती हूँ, सोचती हूँ मम्मी क्या बनाऊँ। मम्मी कुछ भी, चीला बनाओ। चीला बनाते चलो आज, तो फिर आज मम्मी का हो गया है बेसन का चीला, तो बेसन का चीला बनाते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ब्रेकफास्ट के बाद। मेरा ब्रेकफास्ट मैंने बना लिया है, जैसे कि आपने देख लिया। इसमें मैंने ओट्स डाले हैं, ओट्स और मैंने मिल्क नहीं डाला है, आलमंड डाले हैं, जिससे कि वो पानी डाल के आलमंड मिल्क टाइप बन गया। और मैंने उसमें फ्रूट्स डाल दिए हैं और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल दिया मैंने मम्मा के लिए। बेसन में मिर्ची, नमक, गर्म मसाला, जीरा पाउडर डाल दिया है, अब इसको मैं पेस्ट बनाने लगी हूँ। और फिर इसमें ये वेजीज डाल दूँगी। Thank you.
अब बस थोड़ा सा ऑयल लगाया मैंने तवे पे और अब मैं इसको चीला बनाने के लिए मैंने डाल दिया है और इसको मैं पकने दूंगी। थोड़ा सा फैलाया है इसमें, तब तक हम बात कर लेते हैं। तो ब्रेकफास्ट बन गया है, बस मैं चाय रख रही हूँ और आज मैंने बाल धो लिए। आज है वेडनेसडे, थर्सडे को हम धोते नहीं हैं तो अल्टरनेट डेज पे धो लेती हूँ थर्सडे छोड़ के। तो बस आप बाल धो लिए हैं, बस सूख जाएंगे अभी थोड़ी देर में, फिर मैं फिर से जुड़ा कर लूँगी बिकॉज आई डोंट लाइक खुले बाल। तो अब मैं बना के चाय तो मैं मिलती हूँ आपसे। ऑल सेट फॉर ब्रेकफास्ट, चलें फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। कोई ईजी थोड़ी है, पहले इंजेक्शन लगाना पड़ता है इंसुलिन का मम्मी को। सो चलिए फिर, अब चाय भी बन गई है तो चीयर्स। आप भी चाय पीजिए और मैं भी पीती हूँ अपना। जैसे आ गई मैं तो ऑफिस का काम चल रहा है, थोड़ी सी ब्रेक ली है मैंने, बैठे बैठे थक गई थी तो बस राउंड लगाती हूँ एक घर का और फिर वापस बैक टू वर्क। बस यही चलता रहता है, थक जाती हूँ, बैक आजकल बैक दर्द होने लग जाती है। और दीदी आई हुई हैं, वो सफाई कर रही थी, और सबीना दीदी, और वो कर रही हैं। ये हमारे घर में तब से हैं जब बच्चे छोटे छोटे थे, बिल्कुल तब से हैं, और अभी तक मैं भी बड़ी हो गई, ये भी मेरे साथ साथ बड़ी हो गई, हम अमूमर हैं। तो बस आज हम एक्स्ट्रा चाय पी रहे हैं क्योंकि दिमाग थक गया है, तो बस चाय पियेंगे साथ में और बैक टू वर्क। चाय जैसी चाय बनानी है, ये गोरी गोरी है अभी थोड़ी सी, देखो इस कढ़ाओ ये कढ़ाई, इसको हम चाय को चाय की तरह पीना चाहिए, दूध की तरह नहीं। वेलकम बैक एवरीवन। तो शाम हो गई है, ऑफिस ख़त्म, और ऑफिस ख़त्म होते ही थोड़ा सा काम है, सब्ज़ी लेनी है, तो मैंने कहा चले आप भी चलें साथ में आज और आपको मैं दिखाती हूँ नज़ारा। तो बस सॉल्व ख़त्म हो गई मेरी, सुबह ही जाना था मुझे वैसे सब्ज़ी लेने, बट सुबह नहीं जा पाई तो मैं मम्मी कहती शाम को ही ले आई हो एक ही बार। तो बस सब जा रही हूँ और देखिए आप द्वारका का हाल, सो ग्रीन, आई जस्ट लव दिस। ये जो रोड साइड पे जो पेड़ लगे होते हैं ना, वो जो एक दूसरे पे ओवरलैप कर लेते हैं, कितने प्यारे लगते हैं ना। और जन्माष्टमी की पूरी तैयारियां हैं मंदिर में, टेंट वेंट लग गया है, रात को तो इतना अच्छा लग रहा था, लाइट्स लगी हुई थी, मस्त लग रहा था। अभी तो इन्होंने लाइट्स नहीं जलाई, तो मैं आपको तो नहीं दिखा पाऊँगी, बट बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो फिर हैप्पी जन्माष्टमी इन एडवांस एवरीवन। कमाल हो गया यार, मैं सब्ज़ी लेने आई हूँ, सब्ज़ी वाला है ही नहीं है, क्या हो गया ये G20 के चक्कर में ना सारे सब्ज़ी वालों को भगा दिया है। तो लेट्स सी है कि नहीं है, नहीं है यार, तो बहुत बुरा हुआ। अब मुझे रोड क्रॉस करके उस तरफ जाना पड़ेगा एंड उधर से लेनी पड़ेगी। तो चलें फिर रोड क्रॉस करते हैं। एक तो ना ये ग्रिल्स लगा दी हुई हैं, तो यू कैन क्रॉस द रोड फ्रॉम एनी वेयर। ये बीच बीच में स्पेस है, यहाँ पे स्पेस है, वहाँ से जाऊँगी। और हाँ एक बात तो शेयर ही नहीं की मैं, तो मैं यूजुअली जाती हूँ तो मैं लॉट में सब्ज़ी लाती हूँ, तो आज लॉट में नहीं ले पाऊँगी, थोड़ी सी ले पाऊँगी क्योंकि मैं गाड़ी नहीं ला पाई। मेरी गाड़ी के पीछे किसी ने गाड़ी लगा दी है, मैं निकाल ही नहीं पा रही, तो अब मैं पैदल ही जा रही हूँ। करेले ले लेते हैं, सुंदर सुंदर करेला। पका हुआ लग रहा है, दिस इज फाइन। व्हाट एल्स, और तो कुछ अच्छा सा दिख नहीं रहा। भैया भैया ये सब्जी वाला भैया कहाँ है? भैया है ही नहीं, दुकान छोड़ के गया हुआ है। वो सब्जी है फ्री फ्री फ्री, भैया है ही नहीं, तो उठा के चलते हैं। तो हैं भैया,
ब्रेक पे थे। हाँ आधा किलो कर दो और आधा किलो और करने हैं, ठीक है ये तो अलग कर देना मेरे, और एक और ऑर्डर आ गया है मेरे पास। करेला कितना, एक पाव? हाँ जितना है उतना कर दो। ये 350 दे दूँ, पूरी दे दूँ? हाँ। और तोरी ले लेते हैं, ये लो जी तोरी डाल दो। ये अलग है ना आपका? हाँ ये मेरा, तोरी भी मेरी है, ठीक है ये अलग है ना? ये अलग है ठीक है, और तोरी भी इसी में है ठीक है। टमाटर अलग है बस आधा किलो और। तो मैं सब्जी लेती हूँ, मुझसे ले ली है, गाड़ी की चाबी साथ में ही आ गई क्योंकि मैं गाड़ी लेके आने वाली थी। और चलिए फिर अब क्रॉस करते हैं वापस रोड। और अच्छा है कभी कभी पैदल चल जाना चाहिए, मैं हमेशा लॉट में ही लेने निकलती हूँ सामान इसलिए गाड़ी लेनी ही पड़ती है, बट थोड़ा लो तो आप उठा सकते हो। देखो इतना पुराना पेड़ है ये कि देखो कितना बड़ा है, ओ माय गॉड अमेजिंग। और ये हमारे हिंदुइज्म देखिए, ज़रा पूजा पाठ भी किया हुआ है इसका, यहाँ पे मोलियाँ बांधी हुई हैं, पता नहीं कोई होता है ना रिचुअल, आई डोंट नो बट होता है। और रोड क्रॉस करने की बारी आ गई दोबारा से, तो चलिए रोड क्रॉस करते हैं। हेलो अंकल, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ अंकल। चलिए फिर रोड क्रॉस करें, मोटे लोगों को सांस जल्दी चढ़ाते हैं। तो फिर कल है सेलिब्रेशन जन्माष्टमी 7 सितंबर इस्कॉन द्वारका, जो जो द्वारका में रहता है जरूर जाए। मेरे को पता ही नहीं था, पता है मैं कॉल ले रही थी और मेरे बॉस ने बोला कि मिनी कल तो हम नहीं होंगे तो कल की कॉल जो है फ्राइडे कर दो। मैंने कहा कल क्यों नहीं होंगे, तो कहते मिनी कल छुट्टी है। मैंने कहा थैंक यू किंचुक फॉर रिमेम्बरिंग, मैं तो लॉग इन करके बैठ जाती, बहुत बार होता है मेरे साथ मैं भूल जाती हूँ छुट्टी है। तो बस फिर पहुँच गए हैं घर। पता है मैं सोच रही हूँ, मैंने अभी इसी ब्लॉग में देखा, नहीं पंकज त्रिपाठी का आ रहा था इंटरव्यू, तो उसमें उन्होंने मटका रखा हुआ है घर में पानी के लिए, तो मैं भी सोच रही हूँ यू नो थोड़ा मोटिवेट होके उसी का पानी पिया जाए, वही लिया जाए, तो लाऊंगी। हाँ अभी याद आया, फिर थोड़ी देर में भूल भी जाऊंगी आई नो, बट चलिए बड़े आपको मैं सोसाइटी का लुक दिखा दूँ। देखिए अभी से कल, ठीक है तब तक के लिए सी ऑफ, सायोनारा, और डू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर टू माय चैनल, एंड मिलते रहेंगे। अब जल्दी जल्दी ट्राई करूँगी कि हफ्ते में 2-3 ब्लॉग तो डाल ही दूँ, डेली तो नहीं डाल पाऊँगी बट ट्राई पूरा करूँगी। तो जब तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको आप नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरा नाम है मिनी भारद्वाज और मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ फुल टाइम, साथ में व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, बच्चे बड़े हो गए तो सोचा कि कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम करती हूँ, और हस्बैंड है मेरे रिटेल में और मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ पिछले 3-3.5 साल से जब से कोरोना स्टार्ट हुआ था। और बस यही है मेरा इंट्रोडक्शन, 21 साल से आईटी में हूँ और बस थोड़ा सा थोड़ी सी एंटरटेनिंग हूँ मैं, तो मैंने कहाँ निकाला जाए, तो यूट्यूब चैनल खोला है आपके साथ बातें करके थोड़ा सा अपना एंटरटेनिंग जो दिमाग में दिखा देती हूँ सुना देती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए सी ऑफ, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।